हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छे से स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। सहायक समीक्षा अधिकारी और अन्य पदों के लिए भर्ती आई थी ना हमारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, तो उसका मेंस एग्जाम हुआ था आपका 24-25 जुलाई 2021। तो इस मेंस एग्जाम का रिजल्ट यहाँ पे घोषित कर दिया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको हार्दिक बधाइयाँ। और देखिए, बहुत अच्छी पोस्ट है सहायक समीक्षा अधिकारी की, उसके बाद आपका समीक्षा अधिकारी में प्रमोशन होता है, गजिस्ट्रेड ऑफिसर आप बन जाते हैं। और उसके साथ साथ टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे कुछ पदों पर चयन हुआ है। अब इसमें देखिए, आपका एक एग्ज़ाम और होना है, इसमें आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होनी है और एक पेपर और होता है इसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। तो कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान में आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ऑफिस में यूज होते हैं चीज़ें, जैसे कि MS वर्ड है, एक्सेल है, इसके अलावा पावर पॉइंट, इनसे संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। ये पेपर आपका ऐड नहीं होता, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। मेंस एग्जाम में जो क्वालिफाई है, मेंस के प्राप्तांकों के आधार पर ही आपका फाइनल सेलेक्शन होगा, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको फिर एक बार दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बाकी यहाँ पे आयोग के द्वारा यह बोला गया है, आपकी जो टंकण परीक्षा और ये कंप्यूटर की व्यवहारिक परीक्षा होगी वो 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक निर्धारित है, जिसके लिए आप कल से यानी कि 6 अक्टूबर से अपने प्रवेश पत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। बाकी अभ्यर्थियों की जो प्राप्तांक है और कट ऑफ मार्क्स जो है वो अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के साथ आयोग की वेबसाइट पे आएगी। यानी कि मैं बता चुका हूँ, आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी अब इसी रिजल्ट पे बनेगी। मेंस के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, क्वालिफाई तो किया है उन्होंने, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग के लिए, लेकिन इसमें जो ज़्यादा नंबर लाया होगा फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होगा। बाकी एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, देखिए आप सभी लोगों के लिए, लोअर PCS का जो एग्ज़ाम होना है आपका, लोअर PCS का एग्ज़ाम हो जाना है आपका 12 दिसंबर को, ठीक है। अभी आयोग ने ऑफिशियली वेबसाइट पे तो नहीं दिया है, लेकिन जो आयोग के द्वारा लेटर वगैरह जाते हैं कार्मिक विभाग वगैरह को, तो इनसे पुष्टि हो चुकी है कि 12 दिसंबर 2021 को लोअर PCS यानी कि नायब तहसीलदार वाला प्री एग्ज़ाम आपका होगा। तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, ठीक है। बाकी देखिए, मैंने पहले भी बोला था जब फॉर्म आया था, क्योंकि आयोग का शेड्यूल ही यही रहता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का शेड्यूल ही यही है कि वो एग्ज़ाम फॉर्म निकालता है अगस्त सितंबर में, प्रारंभिक परीक्षा करवाता है वो दिसंबर जनवरी में, ठीक है। तो वही है, अपर PCS की बात करते तो उसका जो प्रारंभिक परीक्षा है वो जनवरी फरवरी में होगी, मान के चलो जनवरी या फरवरी में होगी। और जो साथ में हमारी समीक्षा अधिकारी भी आई थी महाअधिवक्ता कार्यालय वाली, वो भी हमारे जनवरी फरवरी में ही होगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करें। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन होते हैं आप सभी के, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको ले सकूं और आपकी जानकारी क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों जल्दी ही किसी टॉपिक के साथ। बाकी अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें, हमेशा बोलता हूँ एक पेड़ लगाएं जीवन में, और जब भी आप उत्तराखंड के किसी पर्वतीय अंचल में या सुंदर प्लेसेस पे घूमने जाते हैं तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, कूड़ा करकट और प्लास्टिक वगैरह वहाँ पे ना फैलाएं, अगर आपको दिखता है तो उसको लाकर डिस्पोज करें, ये आपका प्रकृति के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय उत्तराखंड।